Hello students, welcome back to online classes and today we will discuss about the formula writing. और यहाँ पर आपको एक question given है, write the formula of. आपको compound के name given है और हमें उनके name से उनका formula derive करना है. तो किस तरीके से कर सकते हैं हम, देखिए first है हमारे पास में aluminium carbonate. तो इसके लिए मैंने आपको कई बार बोला है कि हम मैंने आपको जो एक लिस्ट प्रोवाइड करी है जिसमें मैंने आयंस भी बता रखे हैं, उनके नेम, उन पर चार्ज, और इसी तरीके से मैंने आपको कंपाउंड रेडिकल्स भी गिवन टेबुलर फॉर्म में दिया है. तो उसको भी हमें कंपाउंड रेडिकल का फॉर्मूला, उसका नाम और उस पर चार्ज, ये बातें जब तक हमें क्लियर नहीं होंगी तब तक हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे. तो हमें वो लर्न रखना है, हमें अच्छे से उनको लर्न करना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्यूमिनियम कार्बोनेट की. तो देखिए एल्यूमिनियम कार्बोनेट, तो जब भी हम फॉर्मूला राइट करते हैं तो सबसे पहले हम कैटायन लिखते हैं और उसके बाद हम एनायन लिखते हैं. तो हमें पता है कैटायन मेटल है, मेटल हमेशा पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर मैंने लिखा है एल्यूमिनियम कैटायन. और एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है आपको पता ही ना, +3 होता है. उसके बाद में कार्बोनेट, कार्बोनेट कितना होता है CO3 2-, कार्बोनेट क्या होता है CO3 2-. अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस का हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल जो वैलेंसीज है उनको क्रॉस में पुट करना है नीचे की तरफ. तो 2 तो यहाँ आ जाएगा और ये जो 3 होगा वो इसके ब्रैकेट करके आएगा, क्योंकि ये कंपाउंड रेडिकल है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2CO3 का होल थ्राइस. ओके, एल्यूमिनियम की वैलेंसी CO3 क्योंकि कंपाउंड रेडिकल है तो इसके यहाँ पर आ जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम नाइट्राइड. तो देखिए ये रहा कैल्शियम, कैल्शियम 2+ होता है, नाइट्राइड NO2-1 होता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, 2 को यहाँ NO2 के होल ट्वाइस करके लगाना है, मतलब ब्रैकेट करके लगाना है, और 1 हम लिखते नहीं है. तो कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaNO2 का होल ट्वाइस. इस तरीके से कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला हो जाएगा. फिर हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम परमैंगनेट. तो देखिए पोटेशियम, ये मैंने पोटेशियम लिखा है और पोटेशियम पे +1 होता है तो मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ. परमैंगनेट, देखिए परमैंगनेट होता है MnO4 -1. ठीक है, यह मैंने आपको हमारे टेबल में लिखवा रखा है. तो ये हो गया -1. तो दोनों पे क्योंकि 1-1 चार्ज है, यानी वैलेंसी दोनों की 1-1 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KMnO4. क्या हो जाएगा फॉर्मूला, KMnO4. नेक्स्ट हमारा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. तो देखिए मैंने लिखा है सोडियम और हाइड्रोजन सल्फेट होता है HSO4-1 और ये होता है +1. तो वही है, दोनों की वैलेंसी 1-1 है, क्रॉस में हम लिखते नहीं है 1 को, तो फॉर्मूला हो जाएगा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. और हम इसको और क्या बोलते हैं, सोडियम बाईसल्फेट, बाईसल्फेट भी बोला जाता है हाइड्रोजन सल्फेट को. अब नेक्स्ट है हमारे पास में जिंक सल्फेट. तो देखिए जिंक सल्फेट कैसे होगा, सबसे पहले हम जिंक लिखेंगे, जिंक पे वैलेंसी होती है 2. ठीक है, 2+ चार्ज होता है. एंड सल्फेट, सल्फेट होता है SO4 2-. ठीक है, तो दोनों की वैलेंसी 1 है, सॉरी 2 है. और वैलेंसी जब सेम होती है या सिंपलर रेशो में कन्वर्ट हो जाती है तो हमें उसे सिंपलर रेशो में कन्वर्ट करना है. तो ये क्या हो जाएगा, सिंपलर रेशो में कन्वर्ट हो जाती है वैलेंसी, क्रॉस में 1-1 हम लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट. नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट. तो देखिए बेरियम सल्फेट कैसे लिखेंगे हम, बेरियम होता है Ba2+. ओके, एंड सल्फेट, सल्फेट होता है SO4 2-. सिंपलर रेशो में कन्वर्ट करना है, 1-1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो गया हमारा BaSO4. बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaSO4. नेक्स्ट है लेड सल्फाइड. तो देखिए ये मैंने लेड लिखा Pb होता है 2+ और सल्फाइड होता है H2-. लेड होता है Pb2+ और सल्फाइड होता है H2-. ओके, तो ये वही है सिंपलर
सिंपलर रेशियो में कन्वर्ट करना है, सिंपलर रेशियो में कन्वर्ट हो गया एंड देन पीबीएस। तो लेड सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीबीएस। तो इस तरीके से हमें कंपाउंड के नेम से फॉर्मूला राइट करना आना चाहिए और फॉर्मूला से हमें नेम लिखना आना चाहिए। कई बार हमसे वैलेंसीज भी पूछ लेते हैं कि बेरियम सल्फेट में बेरियम पर कितना चार्ज आएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको फॉर्मूला से ही उसका चार्ज कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है।